हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फूड फ्लेवर विद स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है ही, साथ ही में प्रोटीन से रिच और एक हेल्दी रेसिपी है जिसे कि हम टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। और रियली फ्रेंड्स, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ लिए हैं मैंने कुछ इंग्रेडिएंट। तो ये लिया है मैंने एक छोटी कटोरी बॉइल्ड राजमा रेड किडनी बीन्स, एक छोटी कटोरी वाइट वाला राजमा वाइट बीन्स, एक छोटी कटोरी चिक पीस बॉयल किए हुए छोले, और ये लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ, धनिया पत्ती और हरी मिर्च, और ये लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने फ्रेश ब्रेड से बनाए हैं। मेरे पास दो चार ब्रेड रखे थे तो मैंने उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, तो ये मेरे फ्रेश ब्रेड क्रम बन गए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा राजमा रेड किडनी बीन्स, ये हमारा है सफ़ेद वाला राजमा वाइट बीन्स, और ये छोले चिक पीस, और इन सब को हम स्पून की हेल्प से इस तरह से मैश कर लेंगे। तो मैं यहाँ स्पून से ही इन्हें मैश कर रही हूँ, जितने ये स्पून की हेल्प से हो जाते हैं मैश उसके बाद मैंने हाथ से ही करूँगी। तो देखिए यहाँ ये अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी की इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने अब ऐड कर दे रही हूँ इसमें ये बारीक किया हुआ चॉप किया हुआ प्याज अनियन, साथ में ये धनिया पत्ती और हरी मिर्ची। अब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो फर्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अभी ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो फर्स्ट हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे, और इसके बाद में जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ इसे हाथ की हेल्प से ही इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ सब चीज़ों को। और अगर आपको लगे कि आपका जो ये बैटर थोड़ा लूज़ हो जा रहा है तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा था ये थोड़ा अभी लूज़ है, तो मैं इसमें थोड़े से और ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी। तो अब ये जो है बिल्कुल अच्छे से बन गया है, बिल्कुल ठीक है ये, जिससे कि मैं ईज़िली कटलेट बना सकती हूँ। तो चलिए अब कटलेट बनाते हैं। तो कटलेट बनाने से पहले मैंने जो हाथ जो है थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं, और इस तरह से मैंने इसका थोड़ा सा ये बैटर लिया है, इस तरह से मिक्सचर लिया है, और इस तरह से इसको तेली के बीच में इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसको ये इस तरह से शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा एक कटलेट बन गया है, और लास्ट में मैं इसे ब्रेड क्रम से कोट कर लूँगी। तो फाइनली देखिए हमारे कटलेट का लुक। मैं आपको एक और कटलेट बना के दिखा देती हूँ। नॉर्मल हम जिस तरह से वेज कटलेट या और कटलेट बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो देखिए सेम उसी वे में मैंने ये दूसरा भी बना लिया है। आप चाहें तो कुछ और शेप भी दे सकते हैं इसे, सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं। मैं इस तरह से टिक्की की शेप में बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने बाकी के जो ये सारे कटलेट जो हैं बना लिए थे, और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। और इसे हम यहाँ शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे कटलेट जो हैं हेल्दी कटलेट हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से रिच हैं, तो हम इसे हेल्दी वे में ही बना रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बार में 4 कटलेट इसमें फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 4 कटलेट इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, और थोड़ी देर में ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो हम इसे दूसरी साइड पर पलट देंगे। और फ्लेम जो है आपको मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। वैसे तो ये ऑलरेडी अंदर से कुक ही हैं, क्योंकि हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो बॉइल्ड हैं, ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो इसलिए इन्हें अंदर से कुक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 से 4 मिनट में ही ये अच्छे से बाहर से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए एक साइड से कितना अच्छा कलर आया है, मैंने ये सब एक साइड से पलट दिए हैं। और अब हम यहाँ इसे दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। तो देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहाँ ये रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर।
इसे इस पेपर पे निकाल लिया है ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी ये पेपर ऑब्जर्व कर ले। और उसके बाद हम इन्हें करेंगे सर्व। तो इसी तरह से मैंने बाकी के सारे कटलेट भी जो थे उन्हें फ्राई कर लिया था। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका और ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। और इसे मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ ग्रीन वाली चटनी के साथ। आप चाहें तो टमाटो केचप या मेयोनीज जैसा आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए यहाँ मैं आपको एक जो है कटलेट तोड़कर दिखा रही हूँ। तो देखिए ये बाहर से जितना क्रंची है अंदर से उतना ही सॉफ्ट बना है। और रियली फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं। और ये खाने में तो टेस्टी है ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए हैं वो सारे प्रोटीन से रिच हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।